ये रही फ्रंट इंडिकेटर्स आपको पूरा। और अब देखो मैं इसकी अब इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो आप लोग ये वाला एयर एक्सपीरियर एआर का इसका जरूर अपने मोबाइल पे भी आप करें ऑन। देखो इसकी ऑन भी एकदम गजब है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय जर्नी माय ब्लॉग्स। आज हम लोग एक रॉयल इनफील्ड का एक बढ़िया सा वीडियो देखने जा रहे हैं। बाकी वो रॉयल इनफील्ड का एयर एयर मोड है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। यार उसकी आज मैं सारी की सारी आप लोगों को उसकी कलर वेराइटीज दिखाऊंगा उस एआर मोड के थ्रू। और मेरे को एक दिक्कत गई थी एआर मोड में, आप लोग का भी यही दिक्कत होगा, लेकिन मैंने उस मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको मैंने शॉर्ट आउट कर लिया है। एआर मोड मेरा ओपन बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, उस एआर मोड को आप लोग वेट करिएगा, ताकि लोड लेने के लिए बहुत टाइम लेता है। उसके बाद आप लोग वेट करिएगा, फिर वो एरिया को स्कैन करके वो फिर से एआर मोड को एनाबल कर देगा। तो गाइज लेट्स सी, आज मैंने एआर मोड में मेरे को क्या क्या कैसे करना पड़ा एआर मोड में, ताकि रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650 के लिए, और कौन कौन से वेराइटीज है, ब्लैक ब्लू ग्रीन, और उसका एस्ट्रेलर ग्रीन है, ग्रे है, रेड तो उसका एयर वर्जन में शो ही नहीं किया। बाकी आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, और आप लोग देखिए आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है, आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिटरली ये हम लोग आ गए हैं रॉयल इनफील्ड के पेज पे। तो ये क्लोज टू क्रूज कॉन्टेस्ट, इसमें कि एआर वर्जन हम लोग देखेंगे। एक्सप्लोर सुपर मीटियोर 650 इन एआर मोड, स्पॉट द हिडन क्लूज, स्क्रीनशॉट इट एंड शेयर इट ऑन। तो हम लोग व्यू इट एआर मोड करेंगे, और स्कैन टू एक्सपीरियंस सुपर मीटियोर 650 इन एआर मोड। ये एक बारकोड है एक्चुअली, ये बारकोड को आप लोग को स्कैन करना पड़ेगा मोबाइल में, फिर आपको इस बारकोड के थ्रू में आपको एयर वर्जन मतलब जो सुपर मीटियोर की आ जाएगी। तो लेट्स ये बारकोड को स्कैन करेंगे। आफ्टर बारकोड स्कैन लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद व्यू इन एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है आपको, फिर उसके बाद वो स्कैन करेगा फुल्ली। आप जहां पे एरिया दिखाओगे फुल्ली उसको घुमा के स्कैन करिए। बाकी मैं ये वाला दो तीन बार ट्राई किया नहीं हुआ, तीन चार बार ट्राई किया नहीं हुआ, फिर उसके बाद फाइनली मेरा हो गया। क्योंकि वो क्या होता है पता नहीं, नेट का इशू होता है कि क्या इशू होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग को पूरा मतलब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेट का इशू शायद होता है एयर वर्जन के लिए। फिर आपको बाइक नहीं दिखेगी, फिर सडनली बाइक आ गई हमारी। तो ये है रॉयल इनफील्ड 650 मिटियोर सुपर मिटियोर, ये है ग्रीन कलर। आप लोग को इसका वॉक अराउंड पूरा दिखाऊंगा, कैसे एआर मोड में पूरा बाइक दिखती है, एकदम ए क्लास दिखती है बाइक। ये है उसका मीटर कंसोल, मीटर कंसोल थोड़ा क्लोज ले जाता हूँ। ये है उसकी मीटर कंसोल देख लो, और ये है उसका डिजाइन। वाह क्या गजब लग रहा है यार। बाकी आप लोग देख लो, आप लोग को एआर मोड एक बार ट्राई करके देख लो। ये एक नया फीचर है जो रॉयल इनफील्ड ने ऐड किया है, लेकिन बढ़िया फीचर है। रॉयल इनफील्ड ग्रीन एकदम गजब दिख रहा है, इंस्टेलर इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर ग्रीन। तो ये है इंटरस्टेलर ग्रीन। तो ये देख लो इसकी सीट सीट बैक पूरी, हेडलाइट इसकी, बाद में हम लोग इसकी पूरी हेडलाइट हॉर्न इंजन सब कुछ हम लोग सुनेंगे। ये साइलेंसर ट्विन सिलेंडर है हम लोग का ये, और ये है उसका साइलेंसर। वाह क्या गजब दिख रही है बाइक। सीएट के टायर्स ट्यूबलेस टायर्स फ्रंट एंड रियर, 143 का ग्राउंड क्लियरेंस है, सुपर वीडियो 650 बाइक, लेकिन एकदम जबरदस्त दिख रही है यार। इंजन 650 सीसी का ये इंजन है। बाकी बाइक देख लो पूरी तरह कैसे दिख रही है। अब ये देख लो पूरा बाइक एकदम क्लास दिख रही है। ये है फुल्ली एआर वर्जन, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। बाकी आप लोग देखो आप लोग को कैसा दिख रहा है बाइक एआर वर्जन में, आपको ऐसे ही बाइक दिखेगा। अब इसके कलर्स हैं बहुत सारे, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन, ग्रे, रेड इसमें नहीं अवेलेबल है यार। में पता नहीं क्यों उन्होंने रेड को मतलब ऐड नहीं किया है,
अभी मैंने ब्लैक पे क्लिक किया तो ये है एस्ट्रल बैग रॉयल एनफील्ड 6 फील्ड का ब्लैक ब्लैक कलर, जो कि फुल्ली ब्लैक है। देख लो ये भी अच्छा, ये तो गजब दिख रहा है यार। ब्लैक ब्लैक आई कैची होता है, हर किसी को पता है, लेकिन ब्लैक में भी मजा आ रहा है यार। ये है मीटर कंसोल उसका, पूरा लग रहा है एकदम रियल है भाई। ऐसे ही एक बाइक आ जाती है यार अपने सामने, एयर वर्जन चलाने का मौका भी मिल जाता। ये है ब्लू वर्जन उसका। ब्लू में कुछ नहीं, टैंक पैड्स, साइड वाले 650 मीटियोर, पीछे बैक का टेल और आगे का गार्ड, बस इतना ही ब्लू कर दिया गया है, बाकी पूरी गाड़ी जैसी है वैसी ही है। और ये देख लो, आप लोग को दूर से दिखा देता हूँ ये कैसे दिख रही है ब्लू में। ब्लू में इस कैसे दिख रही है बाइक। अब ये है ब्लू कलर, ये है उसका ग्रीन, ये है ग्रीन, देख लो ये है नॉर्मल ग्रीन। और इंटरस्टेलर ग्रीन एक अलग होता है, जो कि पहले में हम लोग देख रहे थे वो इंटरस्टेलर ग्रीन है, ये है ग्रीन है एस्ट्रल ग्रीन, ये एस्ट्रल ग्रीन है। और ये देख लो कि पूरी एकदम रियल लग रही है यार बाइक, एयर वर्जन। ये बढ़िया एक रॉयल इनफील्ड ने निकाला है इसको, पूरा लग रहा है जैसे रियल बाइक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये है ग्रे, वाह ग्रे क्या ही दिख रहा है ग्रे। देख लो गाइस, आप लोग मेरे को जरूर बताना आप लोग को कौन सा कलर आप लोग को पसंद आया है। बाकी मेरे को तो यार सारे के सारे कलर्स ही फेवरेट आ गए। और अगर पर्सनल फेवरेट कलर मेरी पूछोगे तो वो मेरे को पसंद आ रही है ब्लैक, क्योंकि देखो ब्लैक यार सब आई कैची होता है। मेरे को तो भाई ब्लैक ही पसंद है। ये लो दूर से देख लो है ना कैसी लग रही है बाइक, आप लोग देख के कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपको कौन सी कलर पसंद आ रही है। अब लिटरली हम इसके मोटर के सारे हेडलैम्प देख लो, हेडलैम्प, वाह ये भी फीचर एक बढ़िया फीचर है। हम लोग देख के मतलब हम लोग ये भी हेडलाइट का हम लोग देख भी सकते हैं इसको, वाह बहुत बढ़िया फीचर ऐड है। और ये है इसका टेल लैम्प, देख लो क्लोज से दिखा रहा हूँ, ये रही टेल लैम्प, बहुत बढ़िया दिख रही है टेल लैम्प इसकी। और ये रहे इसके इंडिकेटर्स फ्रॉम द बैक, मैं दिखा रहा हूँ, दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द इंडिकेटर्स। और ये रही फ्रंट इंडिकेटर्स आपको पूरा। और अब देखो मैं इसकी अब इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो आप लोग ये वाला एयर एक्सपीरियंस एआर का इसका जरूर अपने मोबाइल पे भी आप करें ऑन, देखो इसकी भी एकदम गजब है। मैं चाहता हूँ आप भी ये ट्राई करो यार, ताकि आप लोग को फील हो सके यार, घर बैठे बैठे रॉयल इनफील्ड का फील हो सके, घर बैठे बैठे रॉयल इनफील्ड का फील हो सके। ये देखो बाइक सारी ऑन, सब देखो घर बैठे बैठे फील होना चाहिए कि मैं भी रॉयल इनफील्ड है। मुझे तो थोड़ा देर के लिए लग ही रहा था यार, मेरे मोबाइल के पास मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक रॉयल इनफील्ड की पूरी, तो ऐसी फील हुई, लेकिन यही है भाईज। होप यू गाइज आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही वीडियोस आपको आपके लिए लेता आऊँगा, और मेरी व्लॉग्स भी मैं शूट करता रहूँगा, ताकि आप लोग को हर अपडेट आप लोग तक पहुँच सके। और कौन कौन है जो रॉयल इनफील्ड लेने के लिए तैयार है, और उसकी लॉन्च डेट तो मेरे को लग ही रही है यार, वो फाइनली हम लोग का लॉन्च होगा आफ्टर 2023, और जनवरी के मिड या जनवरी तक वो ऑब्वियसली लॉन्च हो जाएगा। और उसका प्राइस तो आप लोग को पता ही है कि उसका ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज हो रहा है 3 लाख के ऊपर ही होने वाला है, 3 लाख यानी कि 4 लाख के आसपास आ जाएगी उसकी ऑन रोड प्राइसिंग। तो यार जो भी आप लोग चैनल में नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो नीचे, और बताना कौन सी कलर आपको पसंद है। अगर रॉयल इनफील्ड आ रही है 650 मिटियोर सुपर मिटियोर, तो कौन कौन लेना चाह रहा है, कौन कौन रॉयल इनफील्ड का फैन है, मेरे को ये जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।